दुर्ग जिले के पाटन में करीब एक महीने पहले मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है। इस चोरी के बाद चोरों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वारदात को अंजाम देते समय चोर ने एक चालाकी की, उसने सीसीटीवी कैमरों को मोड़ दिया था। जांच के दौरान पुलिस को फुटेज में सीसी कैमरे मोड़ते हुए चोर की नाकाब में तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर पर बने टैटू ने पुलिस को चोर तक पहुंचा दिया। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला 12 से 13 अगस्त की देर रात का है, जहां ग्राम तर्रा पाटन निवासी त्रिभुवन लाल साहू की मोबाइल दुकान पर सुबह आकर देखा तो उसकी दुकान का शटर साइड से टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा गया तो पता चला कि उसकी दुकान में चोरी की गई है। इसकी शिकायत के बाद मामले में पाटन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने दुकान की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। इस दौरान एक चोर शटर के किनारे से घुसकर अंदर प्रवेश करता दिखाई दिया। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले चोर सीसीटीवी कैमरे की ओर लपका और उसका रुख मोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने फुटेज अपने माध्यम से वायरल कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान आरोपियों की पहचान रायपुर आमापारा अग्रसेन चौक निवासी शेखर ठाकुर और रिकास हियाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आमापारा रायपुर में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के निशानदेही पर चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। वहीं चोरों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। मोबाइल चोरी में एक मोबाइल ऑन हुआ, उसका भी लोकेशन कंफर्म किया गया और टेक्निकल और ह्यूमन सूचना के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 17 मोबाइल, स्पीकर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 2 बाइक उनकी चोरी में इस्तेमाल की गई थी। करीब 3 लाख का सामान जो है जो जब्त किया गया। पुलिस द्वारा जो है ECC यूनिट और पाटन पुलिस द्वारा लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस को फॉलो किया जा रहा है।